हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड स्पाइसी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को जो ठेले वाले यूज़ करते हैं चाट वगैरह पे डालने के लिए या दही भल्लों पे डालने के लिए जो हरी चटनी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चटपटी है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। इन सबको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको थोड़े से पानी से हल्का सा, मतलब एक या दो चम्मच पानी डाल के इसको हल्का सा इसको महीन बिल्कुल पीस लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने नमक और दो चम्मच सिर्फ पानी डाला हुआ है, अब इसको बिल्कुल महीन पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बिल्कुल पीस के तैयार है, बिल्कुल महीन पीसी है और बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ रही है। इसको हम चाट वगैरह में या सैंडविच के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं।